हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर मैं बात करूँगी यूजीसी ने जो नया रूल निकाला है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो आपको नेट स्लेट या सेट जो है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। लेकिन यहाँ पर बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर जो केवल PhD किए हुए हैं, उन बच्चों का आखिर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देने के लिए मैं आई हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगी और ट्वीट से काफ़ी कुछ आपका जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए, ये मनीष जोशी जी का ट्विटर है, ये जो हैं सेक्रेटरी हैं कहाँ के, UGC के, ठीक है, पूरा यहाँ पर लिखा है। और ये इनके काफ़ी ट्वीट यहाँ पर किए हुए हैं। और सबसे पहले देखिए, जो पुरानी ट्वीट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला जो रूल है वो क्यों आया है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, कोई नया रूल नहीं है। UGC ने महाविद्यालय और विद्यापीठ में अध्यापकों की भर्ती, यानी कि जो हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है, कि भर्ती के लिए 2018 में रेगुलेशन जारी किए थे। बहुत सारे रेगुलेशन थे कि क्या क्या रेगुलेशन चाहिए। इसके अनुसार किसी भी विद्यापीठ में नियुक्ति के लिए 1 जुलाई 2021 से सेट नेट के साथ PhD भी अनिवार्य थी। क्या थी दोस्तों? PhD भी अनिवार्य हो गई थी, जिसे कोविड के कारण 1 जुलाई 2023 से लागू करना था। 2021 को इसको माना गया था कि नेट सेट या जो स्लेट है वो आप करें हो, प्लस PhD भी करें हो। तो ये 2021 में हुआ था, लेकिन 2023 में कोविड के कारण इसे रोककर 2023 में कहा था लागू करेंगे, इसी में बदलाव किया है बस। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पर क्या किया है कि इसमें बदलाव करते हुए कह दिया है कि कमीशन ने निर्णय लिया है कि विद्यापीठ में नियुक्ति के लिए भी मिनिमम आवश्यकता केवल नेट या सेट होगी। सेट जो है आपको पता ही है, स्टेट लेवल का होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये नेट जो है वो नेशनल लेवल का होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये होगी अनिवार्यता अगर आप PG किए हैं और PG के साथ साथ आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। जैसा कि विज्ञापन संख्या आप 51 में बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, जो केवल नेट क्वालिफाइड है उनने भी भरा है। इसमें क्या है, इन्होंने ये कह दिया है कि 2018 रेगुलेशन के सब सेक्शन 3.10 के अनुसार PhD की अनिवार्यता, जो कि 1 जुलाई 2023 से लागू होनी थी, इस नोटिफिकेशन के कारण निरस्त कर दी उन्होंने। ठीक है, कि अब वो वाला लागू नहीं होगा कि नेट प्लस PhD आप दोनों हो। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दी है, ये है। ठीक है, याद रखिएगा, केवल ओनली नेट और सेट जो है वो एलिजिबिलिटी होगी मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर फिर वही बात कि अकेले जो PhD कर रहे हैं, जो नेट क्वालिफाइड नहीं है, वो क्या करेंगे? तो इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, इस क्लियर करने को देखो, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है, PhD धारक को सेट या नेट से छूट, ठीक है, मिलती है, उन्हें छूट मिलेगी। आप केवल अगर PhD करे हैं और नेट आपने नहीं क्वालिफाई किया है और आप चाह रहे हैं फॉर्म भरना असिस्टेंट प्रोफेसर का, कभी भी आता है अगर, बशर्ते, लेकिन शर्त वहाँ पे है, PhD UGC के द्वारा निर्धारित जो मिनिमम मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, उनने जो बना रखे हैं कि आपके इंटरनेशनल जर्नल में कितने पेपर पब्लिश हुए होने चाहिए, कितने लोगों ने आपका वाइवा किया होना चाहिए, ओपन वाइवा, कब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, सिनॉप्सिस कब तक सबमिट होनी चाहिए, इन सब को अगर आप पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है, उस स्टैंडर्ड में अगर आप आ रहे हैं, तो आपको नेट और सेट से जो है छूट मिलेगी। आप केवल PhD करे हुए हैं तो भी उस फॉर्म को भर लेंगे। जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आएगा तो वहाँ पे वो क्राइटेरिया देंगे कि केवल PhD धारक कौन से लोग इस फॉर्म को भर लेते हैं, वो पूरा ईयर देते हैं कि कौन से ईयर वाले इस फॉर्म को भर लेते हैं, भर सकते हैं, ये सब देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कह दिया कि 1999 से पहले वाले जिन्होंने सिनॉप्सिस सबमिट कर दी है, और इतना इतना उनके क्राइटेरिया, जो अभी तो 5 क्राइटेरिया थे अभी तक पूरे कर लिए हैं, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। केवल एग्जांपल दे रही हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ऐसे सेट या नेट एग्जम्प्टेड, ठीक है, यानी कि छूट मिले हुए सभी PhD धारक भी नियुक्ति के लिए, जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति आएंगी, तो उसके लिए एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे। तो यहाँ पर आपकी इन दो लाइनों से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। जो PhD वाले बच्चे हैं वो परेशान हैं कि हमारा क्या होगा जो केवल अकेले PhD कंप्लीट किए, लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट है जो अभी PG किए हैं, और PG करने के बाद उन्होंने अपनी PhD में इनरोलमेंट ले लिया है अभी,
लेकिन उसके बाद अगर वो उन्होंने निकाल दिया कि इस ईयर में आपकी सिनॉप्सिस सबमिट हुई हो, 5 क्राइटेरिया पूरे दिए हों कि आपकी थीसिस वगैरह, तो उनके लिए जो है फिर वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते। लेटेस्ट जो पीएचडी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ऐसा है, जो अभी अभी मान लीजिए 1-2 साल के अंदर पीएचडी इनरोल हुए हैं, वो नहीं कर, वो बिना नेट के अगर जहाँ भी उन्हें इनरोल हुए हैं तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकते। उनके लिए नेट जो है वो ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया में, आप देखिएगा, ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें वो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर पुराना वाला ही है तो उसके तो 5 मिनिमम उसके क्राइटेरिया हैं, और फिर अपने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से उसको आपको फॉरवर्ड करा के सबमिट करना होगा उस कागज़ को, ऐसा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि केवल नेट और सेट बाला जो व्यक्ति है वो तो है ही एलिजिबल हमेशा के लिए, लेकिन पीएचडी वाले भी एलिजिबल हैं, बस यूजीसी के जो निर्धारित मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको पूरा करते हों, तो केवल पीएचडी वाले भी एलिजिबल हैं, और पीएचडी प्लस नेट है वो तो है ही एलिजिबल। तो इस चीज़ को यहाँ पर पूरा, यहाँ इनके जो ट्वीट ने, और ये ट्वीट देखिए 2 घंटे पहले किया है इन्होंने, तो इस ट्वीट से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया आप लोगों का। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें वीडियो में जो है समझ में आया, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। इसी तरह की आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती रहती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।